तो दोस्तों हम लोग इसराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट या ब्लीडिंग वाउंड ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के सबसे पुराने, सबसे प्राचीन और सबसे विभत्स समस्या के बारे में, इसके मौलिक ओरिजिन उत्पत्ति को हमने समझने में एक आयाम क्लियर कर लिया है कि मौलिक रूप से इस समस्या में विवाद यह है कि यरूशलेम शहर में ही एकेश्वरवादी परंपरा के तहत प्रथम मानव अवतरित हुए थे जो एडम थे। अब एडम के जो संतान हैं वो तीन धर्मों में बटे हुए हैं, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, और ये तीनों अपना एक अधिकार यहां बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए इन धर्मों की उत्पत्ति के साथ ही ये संघर्ष शुरू हो गया। अब आइए हम इसके दूसरे आयाम को समझते हैं। तो दूसरे आयाम को समझने के लिए हमें यरूशलेम के उस पहाड़ी को देखना होगा जिसके ऊपर आदम की उत्पत्ति हुई थी, या पहले मानव इस धरती पर अवतरित हुए थे, या ओल्ड टेस्टामेंट जिसे यहूदी पुराना अहदनामा कहते हैं के अनुसार ईश्वर ने खुद उसी पहाड़ी की मिट्टी से आदम को निर्मित किया था। तो ये आदम पहले प्रोफेट, पहले पैगंबर, पहले मैसेंजर ऑफ गॉड, या पहले व्यक्ति, जो कुछ भी कह लीजिए, के रूप में इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और यहूदी तीनों ही धर्म में मान्य है। तो हम लोग देख रहे हैं ये यरूशलेम शहर है, और यहां पर ये वो पहाड़ी वाला इलाका है। उस पहाड़ी पर 35 एकड़ का ये मैदान है, और इस मैदान में जो ये आप एरिया देख रहे हैं, डोम ऑफ द रॉक, इस डोम वाले रॉक, इस डोम ऑफ द रॉक वाले रीजन में ही आदम की उत्पत्ति हुई। और जब अब्राहम आए, जिन्होंने यहूदी धर्म को स्थापित किया था, तो इस यहूदी धर्म वाले भी इस बात में बिलीव कर रहे हैं कि हमारी पितृभूमि है, ये हमारे पुण्य भूमि है, क्योंकि वो आदम की ही संतान है, एक ईश्वरवादी परंपरा में ही है। उसके बाद आपने देखा कि इस्लाम वाले भी और क्रिश्चियनिटी वाले भी इसी परंपरा में है। तो एदम के लिहाज से, चूंकि वे सब एदम को अपना प्रथम पुरुष, अपने पिता के रूप में देखते हैं, तो इस वजह से उनका आकर्षण, उनका धार्मिक सांस्कृतिक भावना यहां से जुड़ता है, और इस जगह पर वो अधिकार बनाए रखना चाहते हैं। उसके अलावे यहूदियों के जो प्रवर्तक थे अब्राहम, अब्राहम के बारे में ये कहा जाता है कि इनका जन्म तो 1500 बीसी में मेसोपोटामिया रीजन में उर नामक नगर में हुआ था। कहां हुआ था? उर में। लेकिन पुराना अहदनामा और ओल्ड टेस्टमेंट के अनुसार अब्राहम को यह निर्देश मिलता है ईश्वर से कि तुम अपने अनुयायियों के साथ उस जगह पर जाकर बसो जहां हमने प्रथम मानव को, तुम्हारे प्रथम प्रोफेट को रचा था, बनाया था, उत्पन्न किया था, या वे अवतरित हुए थे। तो अब्राहम अपने शिष्यों के साथ कहां आ जाते हैं? डोम ऑफ द रॉक, यानी कि इस इजराइल के पहाड़ी पर, और इसके इर्द गिर्द इलाकों में उनके फॉलोवर्स बसना शुरू हो जाते हैं। यहां हमें इस बात का भी स्मरण रखना चाहिए कि ये जो अब्राहम हैं, जो मेसोपोटामिया रीजन के इजराइलाइट समुदाय को, मेनली इजराइलाइट समुदाय के लोगों ने ही इनकी मैसेज को एक्सेप्ट किया था, या इनके शिष्य बने थे, इनके फॉलोवर बने थे। तो
तो अब्राहम इजराइलाइट्स कम्युनिटी के लोगों को लेकर यहां आए, इसलिए भी शायद जिस रीजन में ये बसे और जहां इन्होंने अपना साम्राज्य कायम किया, जहां इनकी सभ्यता संस्कृति फली फूली, उसको इन्होंने इजराइल नाम दिया। देखिए इजराइल नाम के पीछे एक और कारण आप देख सकते हैं कि ये जो अब्राहम है उनके बेटे हैं इसहाक, और इसहाक के बेटे हैं यहूजा या इजराइल। तो यहूजा या इजराइल से भी इनका जो लैंड है, इनका जो कंट्री है, वो इजराइल नाम से जाना गया। और ये जो अब्राहम अपने साथ इजराइलाइट्स को बेबीलोनिया सॉरी मेसोपोटामिया के क्षेत्र से, दजला फुरात के नदी से किनारे वाले क्षेत्र से लोगों को यहां लेके आए हैं, इसे फर्स्ट एक झोस्ट कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि यहीं पर अब्राहम के फॉलोवर्स ने किंग सोलोमन के टाइम में लगभग 1000 ईस्वी बीसी में यहां पर फर्स्ट टेंपल बनाया, जिसकी वजह से इस पूरे रीजन को टेंपल माउंट कहा जाता है। ईसाई सॉरी यहूदी परंपरा में इसे हर हवाइयत, यहूदी परंपरा में इसे हर हवाइयत कहा जाता है। हर हवाइयत का मतलब क्या है कि जहां पर यहूदियों का प्रथम प्रार्थना गृह, यहूदी परंपरा में प्रार्थना गृह को सिनेगॉग कहते हैं, तो यहूदियों का सिनेगॉग जो प्रार्थना गृह होता है, वो पहला प्रार्थना गृह कहां बना था, उसी पहाड़ी पर बना था जहां आदम की रचना हुई थी, अवतरण हुआ था। और इस फर्स्ट टेंपल को बेबीलोनियंस का जब यहां अटैक हुआ तो उन्होंने इसको नष्ट कर दिया। फर्स्ट टेंपल के बाद क्या होता है, सेकेंड टेंपल। सेकेंड टेंपल ये बनता है 516 बीसी में, और जैसा कि आपको कहा कि फर्स्ट टेंपल बना था 1000 बीसी में। और थर्ड टेंपल के बारे में यहूदियों की परिकल्पना है कि उनका मसीहा अभी तक आया नहीं, उन्होंने जीसस को और मोहम्मद को अब्राहम की परंपरा में, एडम की परंपरा में प्रोफेट मानने से इनकार किया, यहीं से तो विवाद शुरू हुआ। तो कहते हैं हमारा प्रोफेट अभी आने वाला है, अभी वो आया नहीं है, और जब वो आएगा ना तो थर्ड टेंपल बनेगा। क्या बनेगा, थर्ड टेंपल बनेगा। उसके बाद एक और बात है, आप यहां देख सकते हो इस रीजन में क्या है, सोलोमन्स थ्रोन। सोलोमन्स थ्रोन, ये सोलोमन थ्रोन का मतलब है ये वो इलाका है जहां पर सोलोमन ने जहां से शासन किया होगा, जहां सोलोमन का दरबार लगता होगा। सोलोमन से पहले किंग डेविड हुए, और डेविड को लेकर भी कुछ स्मृतियां इस क्षेत्र से जुड़ती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जुड़ा इनका यहूदियों का इस क्षेत्र से बहुत ही गहरा सांस्कृतिक धार्मिक लगाव है, क्योंकि उनके परंपरा के अनुसार प्रथम व्यक्ति, उनके प्रथम प्रोफेट यहीं आए। उनके अपने धर्म के संस्थापना वाले जो प्रोफेट थे अब्राहम, उनको खुद ईश्वर ने इस धरती का वादा किया और कहा कि तुम वहां जाके बसो, ये धरती खुद ईश्वर ने उनके प्रोफेट को दी है। और यहीं पर उनका फर्स्ट टेंपल बना जिसे बेबीलोनियन ने नष्ट कर दिया था। वो नष्ट किया था बेबीलोनियन ने 586 में। उसके बाद फिर वहां पर्शियन किंग साइरस का दौर आता है, और उस दौरान फिर उनका सेकेंड टेंपल बनता है।
तो उनका फर्स्ट टेम्पल यही था, सेकेंड टेम्पल यही था, और थर्ड टेम्पल भी यही बनेगा, इस विश्वास के साथ जो कौम जीती है वो भला क्या नहीं करेगी इस पवित्र और पुण्य भूमि को हासिल करने के लिए। तो एक फैक्ट है।